दोस्तों आज आपके मन पसंदीदा चैनल मिक्स जीके बाई जीके अग्रवाल सर के माध्यम से बताने जा रहे हैं परिक्षिप्त बस्ती। ये पहाड़ी एरिया है और उसमें आप देख रहे हैं ये परिक्षिप्त बस्ती एक घर के रूप में यहाँ पर छित्र मकान के रूप में है। यहाँ पर किस तरीके से लोग रहते हैं, कैसे अपने आजीविका करते हैं, कैसे अपने पशुपालन करते हैं, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाते हैं, कहाँ से पानी लेकर आते हैं, आइए हम यहाँ के जो गृह निवासी हैं या जो मालिक हैं उनसे पूछते हैं। हाँ सब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम साहब दिनेश चंद जोशी। इनका नाम दिनेश चंद जोशी है। साहब आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं छठी पढ़ा लिखा। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ 4-5 साल हो गए। तो आप क्या नीचे कोई बस्ती में या गांव में रहना उचित नहीं समझा? नहीं सर, मेरे पास कोई जमीन जायदाद घर नहीं है। अच्छा, आपके पास वहाँ पर कोई घर नहीं है और आपने यहीं पर आकर उचित समझा? माँ बाप की बीमारियों के बाद में जो घर बिछ गया हमारा, उसके बाद में यहाँ आकर रहने लगा। तो ये कौन सी जगह है जहाँ आप रह रहे हैं? ये हमारे कुड़गांव पंचायत की जमीन है। कुड़गांव जो कि करौली जिले में है। हाँ, करौली जिले में। तो लगभग वहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी होगी यहाँ की? हाँ, 3 किलोमीटर की दूरी है कुड़गांव। 3 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ से गंगापुर कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर है। तो आप या कोई साधन रखते हैं जिसके माध्यम से गंगापुर तक चले जाते हैं? ये गाड़ी जाती है ना रोड के किनारे से। अच्छा, उन्हीं में बैठ करके जाते हैं? उनसे ही जाते हैं। तो आपके आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? मेरी आजीविका का स्रोत तो वैसे देखो कुछ भी नहीं है। हाँ। मैं तो गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर भिक्षावृत्ति करता हूँ और भिक्षावृत्ति करके मेरे बच्चों को पालन करता हूँ। तो आपको इतनी व्यवस्था बैठ जाती है। आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे 4 बच्चे हैं। कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? एक 3री क्लास में है, एक 4थी क्लास में है, एक 8ही क्लास में है। बहुत अच्छा। तो आपके बेटे कितने हैं? 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं और एक बेटी है? एक बेटी। तो आपकी पत्नी धर्म पत्नी क्या करती है? कुछ नहीं करती है, घर पे ही अपने गाय भैंसों का, गाय जानवरों का देखभाल करती है और बच्चों को खाना खिलाती है, बनाती है। बहुत अच्छा, गृहिणी के रूप में कार्य करती है। तो आपकी बड़ी बेटी जैसा आप बता रहे हो 8वीं क्लास में पढ़ती है? हाँ, 8वीं क्लास। तो आप इन बच्चों को पढ़ने के लिए कितना दूर पर भेजते हैं? 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। 3 किलोमीटर दूर है। देखिए दोस्तों, 3 किलोमीटर दूर और वो भी पैदल, वो भी बच्चे और बच्चियां जो कि पैदल जा रहे हैं। आज भी शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है और ऐसे में ये परिक्षिप्त बस्ती के रूप में आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पर पानी का भी कोई साधन नहीं है। जैसा आप बताएं कि पानी कहाँ से लेकर के आते हैं? पानी उधर से लाते हैं, अपने बालाजी है, हनुमान जी का स्थान है, करीब यहाँ से 0.5 किलोमीटर दूरी पे है। और वो भी नीचे उतर के जाना पड़ता है? नीचे उतर के जाना। और कम से कम आप तो लगभग मुझे लग रहा है 200-250 मीटर की ऊंचाई पर रह रहे हैं। हाँ, करीब 150 मीटर की ऊंचाई पर है। 150 मीटर की ऊंचाई पर, और वो भी यहाँ से उतर करके 0.25 किलोमीटर सड़क के किनारे किनारे पर जा करके पानी लाना पड़ता है। और लाइट के लिए क्या आपने ये सोलर बैटरी लगा रखी है? हाँ, ये आप देख रहे हैं साथियों, ये सोलर बैटरी, यही एक सुविधा है जिससे कि मोबाइल चार्ज किया जाता है, जिससे कि दुनिया जगत से जुड़ा जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब जिससे टाक करके उजाला, यहाँ से बल्ब भी नहीं जल पाता है, बल्ब नहीं है तो अंधेरे में ही रहना पड़ता है आपको। देखिए आज भी बड़ी विपता है कि इन्हें अंधेरे में ही रात्रि विश्राम करना होता है। और अपने जो जानवर हैं आप देख रहे हैं, गाय है, उसको अभी इन्होंने यहाँ पर पाल रखा है, लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि चारे की भी कोई व्यवस्था नहीं है, आसपास में खुले में छोड़ते हैं, जो कि पहाड़ी क्षेत्र से ही अपना घास फूस को प्राप्त कर लेती है। तो आपने कौन कौन से जानवर पाल रखे हैं? गाय है, बकरी है। कितनी गाय और कितनी बकरी हैं आपके पास में? फिलहाल में तो एक ही गाय है और एक ही बकरी है। एक ही गाय और एक ही बकरी है। बहुत बढ़िया, आपने सुरक्षा के लिए स्वान भी पाला हुआ है। बहुत बढ़िया साहब। तो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये देख रहे हैं आसपास में कोई हरियाली नहीं, पेड़ पौधे नहीं, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सूखा बंजर जैसी स्थिति, अपरदन, मृदा का अपरदन, पहाड़ी का कटाव जो भी देखने को मिल रहा है। और साथ में क्या कोई सरकारी अनुदान आपको
दिया गया है? नहीं, अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया गया। तो क्या ग्राम पंचायत की तरफ से, सरपंच की तरफ से आपको कोई सुविधा दी जाती है? कोई सुविधा नहीं दी जाती है। सरपंच से कुछ कहते हैं तो वो ये कहता है कि हमें तो हमारी समाज वालों ने सरपंच बनाया है। अच्छा, तुमने वोट ही नहीं दिया। कहने का मतलब है कि इनका थोड़ा अभी भी अज्ञानता का थोड़ा वास है, और शायद उम्मीद है कि धीरे धीरे इनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यही इनका विश्वास है। और कहते हैं कि हमें तो अपने ईश्वर पर विश्वास है कि हमें जो कष्ट दिया है वो हम कष्ट भी देखेंगे, और आने वाले समय में हम इसी विश्वास के साथ अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि वो पढ़ लिख करके हमें जैसे जो हम कष्ट देख रहे हैं वो कष्ट नहीं देखें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। विद्यार्थी, हम साथियों दोस्तों देख रहे हैं कि इन्होंने इस जंगल में अपनी मेहनत से आम के पौधे, नीम के पौधे भी लगाने का प्रयास किया है, और वो बढ़ भी रहे। अमरूद का, यहाँ तक कि केलों का पेड़, हमने केले के पौधे, साथ में पीपल का भी वृक्ष लगाने का प्रयास किया है। ये एक सकारात्मक सोच को बताता है। ये आप जो झोपड़ी देख रहे हैं, ये बिल्कुल कच्ची झोपड़ी है जो कि हवा, गर्मी, सर्दी सबको झेल करके भी ये अपना गुजारा गुजर बसर कर रहे हैं। दोस्तों, यह पेट, और पेट के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा के लिए हर संभव प्रयास करता है, और उसमें हमारे जोशी जी भी लगे हुए हैं। तो जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अहम जानकारी हमें दी। और साथ में मैं दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज भी पूरे देश में कई स्थान ऐसे हैं जो वास्तव में परिशिष्ट बस्ती के रूप में निवास कर रहे हैं, कई सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं, और उन्हें बहुत ही कष्ट भोग झेलना पड़ता है। अतः हम सत्य जानकारी से अवगत हों, रूबरू हों हुए, और सही जानकारी को हासिल करने का आपने जो अमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।